पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और हर पार्टी और प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं, साथ ही अपने आप को पाक साफ साबित करने में तुले हुए हैं। इसी कड़ी में सिरसा विधानसभा क्षेत्र के दो प्रत्याशी पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां एक ओर गोकुल सेतिया ने गोपाल को गीतिका का हत्यारा बताया। जिनकी बेटी, जिनकी बहन या जिनकी माँ उनसे दूर हो गई हमेशा के लिए, जिस बाप ने अपनी बेटी की अर्थी उठती देखी, जिस भाई ने अपनी बहन की अर्थी उठती देखी, या जिस व्यक्ति ने अपनी घरवाली की अर्थी उठती देखी, जिस बेटे ने उसकी माँ की अर्थी उठती देखी, ये मुद्दा नहीं है। या चरित्र की बात है जो आज लोग हमारे सामने चुनाव में खड़े हैं, ये उनके चरित्र पे उंगली उठाने वाली बात है। और ये सच्चाई भी है कि उन्होंने किसी का घर उजाड़ दिया, क्या वो ये चीज़ सारा उनका परिवार ये चीज़ कभी भूल सकता है? तो कांडा ने सेतिया को एक नशेड़ी कहकर पलटवार किया। गोकुल सेतिया एक नशेड़ी है और नशे में वह कुछ भी कह सकता है। उस आदमी का क्या करें जिसके ऊपर खुद के ऊपर मतलब चिट्टे का उसके ऊपर ओन पेपर है कि वो ये नशेड़ी है। जो व्यक्ति नशे में रहता है खुद ही पूरे सब सारे हरियाणा को पता है, सिरसा को पता है, रात को 12 बजे लाइव हो जाता है नशा करके, तो सब जानते हैं नशेड़ी आदमी कुछ भी बोल सकता है। आपरी न्यूज से विशेष बातचीत में गोकुल सेतिया ने कहा कि गोपाल कांडा ने लोगों के घर उजाड़े हैं तथा उससे सिरसा की जनता से कोई सरोकार नहीं है, वह केवल चुनाव के दौरान ही सिरसा में दिखते हैं। उंगली उठाने वाली बात है और ये सच्चाई भी है कि उन्होंने किसी का घर उजाड़ दिया, क्या वो ये चीज़ सारा उनका परिवार ये चीज़ कभी भूल सकता है? और आज वही बात है कि जैसा चरित्र हमारे विधायक का होगा वैसा ही चरित्र हमारे एरिया का बयां होगा। इस दौरान गोपाल कांडा ने न्यूज रिपोर्टर को भी नशा करके देखने की नसीहत दे डाली। आप थोड़ा नशा कर लो, आप भी कुछ बोलने लग जाओ। एक प्रश्न के जवाब में गोपाल ने अपना किसी से मुकाबला ना बताते हुए कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। मुकाबला है भाई मेरा गोविंद के साथ, गोविंद कांडा के साथ रानिया में, क्योंकि उसके वर्कर कह रहे हैं हम ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और मेरे लोग कह रहे हैं कि हम ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, बाकी ना है मुकाबले में कोई भी।